Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सिंध हुकूमत की कोशिशें नाकाम। एडी खाजा आईजी सिंध के ओहदे पर बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आईजी सिंध को 3 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने सिंध हुकूमत के दोनों नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिए। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। जो आईजी सिंध एडी ख्वाजा साहब को 31 मार्च और 1 अप्रैल के लेटर्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू रिमूव करने की कोशिश की थी, वो हाई कोर्ट ने क्वाश कर दी है, खत्म कर दिया है। सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन हमला केस में अहम पेशरफ। मफरूर दहशतगर्द मुल्तान से गिरफ्तार। तलहा अंसारी दहशतगर्द सरोज सिद्दीकी का करीबी साथी और अंसारुल शरिया से ताल्लुक रखता है। तलहा अंसारी टारगेट किलिंग टीम का शूटर है। हसास इदारे ने तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में CPLC और AVCC की कार्रवाई। 2 इकवाकार हलाक। मुगवी ताजर मसूद फिरोज बाजियाब रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। पिशावर में पुलिस की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। 15 किलो बारूदी मवाद डेटोनेटर्स और सेफ्टी फ्यूज बरामद। डेंगू मच्छर से डरने वाले इमरान खान पार्टी सरबराही के लायक नहीं। अस्पताल के नाम पर फंड्स खाने और दूसरी पार्टीज के करप्ट अफराद को लाने की सियासत अब नहीं चलेगी। आयशा गुलालई की कप्तान पर तनकीद। कहा आवाम PTI के 8 सितंबर के जलसे में शिरकत ना करें। आयशा गुलालई ने डी सीट करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन से वकील करने की मोहलत भी मांग ली। समझ नहीं आती PTI हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं कर रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पार्टी फंडिंग केस में PTI वकील से इस्तफसार। PTI वकील के मामला हाई कोर्ट में होने के बाद समाप्त मुलतवी करने की सदा। अदालत हुक्म जारी कर दे तो हम कार्रवाई रोक देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। PTI को 11 सितंबर तक रिकॉर्ड जमा कराने की मोहलत। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कुछ देर में होगा। शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत को भिजवाने की मंजूरी देने का इम्कान। इस्लामाबाद में सुफरा कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। वजीर आजम शाह खाकान अब्बासी से सफीरों की मुलाकात होगी। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कलदम तंजीमों के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती। सियासी मकासद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अफसरायाब खटक का BBC उर्दू को इंटरव्यू। कहा पुरानी अफगान पॉलिसी चलाएंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इंटरव्यू इतवार की शाम सिर्फ आज न्यूज पर। बुलंद हौसले और ऊंची उड़ान से दुश्मन पर धाक बिठाते पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम। आज मुल्क भर में यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद को खिराज अकीदत पेश। एयर वाइस मार्शल हसीब पराचा ने कब्र पर फूल चढ़ाए। पाक फिजाइया के दस्ते ने सलामी। कुवैत और ईरान रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ मैदान में आ गए। सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक से म्यांमार हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मुतालबा कर दिया। समंदरी तूफान अर्मा ने फ्रांस के जेर एहतमाम 2 जजीरों में तबाही मचा दी। जजीरा बारबुडा 90% तबाह। सेंट मार्टिन में एयरपोर्ट इमारतें होटल और घर मलबे के ढेर बन गए। 6 अफराद हलाक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तूफान हफ्ते को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। इमरजेंसी नाफिज। बहरे ओकियानूस से मुंसलिक साहिली पट्टी के लिए खतरात बढ़ने लगे। एक साथ 3 समंदरी तूफान। अरबा होजे और काटिया के तबाही मचाने का खदशा। 7 साल में पहली बार 3 समंदरी